हरियाणा के बीजेपी शासित प्रदेश में गौ माता बिना चारे और पानी के दम तोड़ रही है। ये मामला अंबाला के गांव हसनपुर से है, जहां गोचरण भूमि पर कब्जाधारियों ने डेरा जमा रखा है। गौ माता चारे की तलाश में भटकते हुए दलदल में तब्दील हो चुके तालाब में उतर गई और उसी दलदल में फंसकर गाय ने दम तोड़ दिया। ये गाय हजार रात ने दो तीन बार काटी, जमाने चमासे में पानी हुआ जब तो रात ने एक बार काटी ट्रैक्टर की गेल, दो तीन बार ये गाय बोली नहीं, आवाज नहीं करी जिसने, तो 15 दिन हो गए जिसने पड़ी ने। सरपंच से बोला दो तीन बार आया हुआ देख कर चले जाने, परसों जो था दो बछड़े मरे कड़े काटे जी, फिर मैं दवाई जी ले जगह स्मेल ज्यादा है जिसमें ये गाय अंदर ज्यादा जी बड़े जिंदा इसमें करेन ही निकला जी, आदमी तो बढ़ नहीं सकते इसमें क्योंकि सांप सूप भी होगा डूंगा अंदर दल दल है जी इसमें। सरपंच आया जी एक दो बार ने कढ़वाओगे देख कर चले गए, तो जूंदी थी जी बीमारियाँ रात ने आवाज स्मेल आवा रात ने कुत्ते खेरे जी, हाँ कुत्ते ने दो तीन बछड़े खे लिए पहला। ये बात वीडियो पे बोली जी वहाँ जोड़ में गाय भी मरी पड़ी है और गौ चरांद पर कब्जे रहा, तो वीडियो कहा तो कोई बात नहीं देखेंगे निशानदेही भी लेंगे गौ चरांद ने खिलवाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा सरपंच मनमाने तरीके से काम कर रहा है और गांव को विकास की बजाय विनाश की तरफ ले जा रहा है। गौ चरांद की जमीन के ऊपर जो नाजायज कब्जे हैं, वो गौ चरांद की जमीन जो थी 8-10 एकड़ जमीन है गांव में, उस जमीन के ऊपर मतलब गुवारे पथवारे पक्की वो मकान बना करके, और खास तौर पर अभी तो ऐसा है कि सरपंच की टर्म के अंदर ही मकान बने हैं पक्के, उसमें सरपंच के चहेते लोगों ने सरपंच ने उनको सह दे करके उनसे मकान बनवाए हैं, और वो मतलब अब जब उनको हटाने के लिए हमने उसके लिए सरकार को प्रशासन को लिखा है तो प्रशासन ने हमारी बात को अब तक इग्नोर किया है, हमारे को कोई उस मामले में संतुष्टि नहीं कराई गई है, कोई मौका मुआयना किसी तरह का कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई। ये ऐसा है जी कि SC कैटेगरी और जो मतलब कश्यप जाति के लोग हैं, है जी, और ये सब लोग जो हैं वो सरपंच से पूरी तरह से अटैच्ड हैं और सरपंच के चहेते लोग हैं, ठीक है जी, सरपंच की सह के ऊपर ये कब्जे कर रहे हैं। समस्या तो ये आ गई हमारी क्रोड़ी थी यहाँ पर सरपंच ने नाला बनवाने के लिए ये दीवार खचवाने लग रहा, हमने सरपंच को कहा भी लेकिन उसने नहीं कोई मान नहीं मारी, और इसके लिए हमने निशानदेही के लिए दरखास्त भी दी हुई है जी, हमारी समस्या है, वीडियो के पास भी दो बार गए हम, रिमाइंडर भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गाँव वासी CM विंडो तक अपनी शिकायत ले जा चुके हैं लेकिन अब तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वही सरपंच ने खुद पर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक द्वेष भावना बताते हुए उन्हें सिरे से नकार दिया है। वो सरासर सारे झूठे हैं और जो भी एलिगेशन लगाए, जो भी आरोप में लगाए गए हैं वो सारे झूठे आरोप हैं। जो भी काम गाँव में विकास के कार्य हो रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, उनमें ये जो आरोप अपोजिशन वाले लगा रहे हैं ये सारे झूठे और निराधार हैं। मैं उसको खुले उसमें फिरने को दबाने की बजाय उसको छुड़वा रहा हूँ, लोगों से जो अवैध कब्जे करके उनको छुड़वा के बनवा रहा हूँ, और जो गौ चरांद है गौ चरांद पे भी जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा था वो उन लोगों ने छोड़ दिया और वे आगे से कब्जा करने के लिए उनको रोक दिया। मेरे दो ढाई साल मेरे को सरपंच बने हुए गए, मेरे शासनकाल में ऐसा कोई पक्का मकान या कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ। वो पीछे जो पिछली पंच सरपंच बने हुए थे उन सरपंचों के टाइम के बने हुए वो मकान हैं, उन्होंने ही वो कब्जे करवाए हुए हैं और मेरे टाइम में नहीं कोई ऐसा ना ही मकान बनाया, उल्टा मैं तो उनको जो है ना छुटवाने के लिए प्रयासरत हूँ और छुटवा भी दिए कब्जे जो 33 के। और मेरे गांव में जो 33 किले जमीन के हैं जो लोगों ने अवैध तरीके से दबाए हुए हैं, मैं उनको छुटवाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और वो मैटर कोर्ट में केस लगे हुआ है, मैं उसकी पैरवाई करके उनको छुड़वाने में लग रहा हूँ। वहीं गोचरण की जमीन पर नाजायज कब्जे की बात पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्यवाही की बात कही है। गोचरण की भूमि के ऊपर तो कोई दूसरा काम किया ही नहीं जा सकता, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से बात करूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे उनके खिलाफ। लेकिन जो भी हो गोचरण की भूमि पर अवैध कब्जे से बेजुबान पशुओं को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जो कि वाकई ही बहुत बड़ी समस्या है।
हिंद एक्सप्रेस के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।